टंकी का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है कि दो नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 10 घंटे तथा 15 घंटे में भर सकते हैं, तो दोनों को एक साथ खाली टंकी में खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, कितना समय लगेगा, आपके पास चार ऑप्शन है, ये एसएससी 2009 में पूछा हुआ प्रश्न है। अब देखिए, ये सबसे इजी क्वेश्चन और सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए इसका अप्रोच क्या होता है। ए है, पहले तो ए है कितने घंटे में भर रहा है, 10 घंटे में। बी कितने घंटे में भर रहा है, 15 घंटे में। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, डे हो गया, मतलब दिन हो गया। हम दोनों का एलसीएम लेंगे, 10 और 15 का एलसीएम होता है 30, एलसीएम पूरा काम को होता है। ठीक है, ये वर्क हो गया पूरा। अब वर्क में हम डे से बारी बारी भाग करेंगे तो इफिशियंसी निकलेगा, जिसको हम बोलते हैं क्षमता। तो 30 में 10 से 3 हो गया और 30 में 15 से भाग दिए 2 हो गया, टोटल क्षमता किनका कितना हो गया 15। हमसे वही चीज पूछ, 5 हो गया। ए और बी का पूछ रहा था कितने दिन में कर रहे हैं, ए और बी का जो क्षमता है 5 है, वर्क कितना है, तो वर्क बटे में दिन निकालने के लिए वर्क में हम इफिशियंसी से भाग देंगे, तो 30 बटे में 5 से भाग कर दिए तो आ गया 6 घंटे। क्या हो गया, 6 घंटे आंसर आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर। टंकी का क्वेश्चन है, दो नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 10 घंटे तथा 15 घंटे में भर सकते हैं, दोनों को एक साथ खाली टंकी में खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटों में भरेगा। चार ऑप्शन एसएससी 2009 में पूछा हुआ प्रश्न है, घंटा कार्य क्षमता है। ठीक है, ए कितने घंटे में कर रहा है, 10 घंटे में। बी कितने घंटे में कर रहा है, 15 घंटे में। हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो दोनों का एलसीएम क्या होगा, 30 होगा। बारी बारी भाग देंगे, क्षमता निकल के आएगा। ठीक है, 30 में 10 का भाग दे 3 और ये हो गया 2। हमें पूछ रहा है दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, मतलब ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में करेगा, इसकी क्षमता क्या हो गया 5। तो हमें समय निकालना है, ए और बी का कितना समय ले रहा है, तो कार्य कितना हो गया 30 और क्षमता कितना हो गया दोनों का 5। कट गया, कितना हो गया, कटाने के बाद में 6 आ रहा है, मतलब 6 घंटे में वो काम को पूरा कर देंगे दोनों मिलके। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। टंकी का ये क्वेश्चन है, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, दो नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 10 घंटे तथा 15 घंटे में भर सकते हैं, तो दोनों वो एक साथ खाली टंकी में खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ये एसएससी 2009 में पूछा हुआ प्रश्न है, ये चार ऑप्शन दिया हुआ। सबसे पहले हमें ज्ञात क्या है, दिन है। ठीक है, ए कितने दिन में कर रहा है, 10 घंटे में। ठीक है, बी कितने घंटे में कर रहा है, 15 घंटे में। दिन या घंटा या कुछ भी हो सकता है, सप्ताह वगैरह। ठीक है, कोई बात नहीं, ये समय है, हम डायरेक्ट इसको बोलेंगे यह समय है। ठीक है, और कार्य क्या होता है, कार्य दोनों का एलसीएम होता है, 10 और 15 का एलसीएम क्या होगा 30। ये हमारा पूरा कार्य हो गया। क्षमता निकालने के लिए हम कार्य में दिन को बारी बारी भाग करेंगे, 3 क्षमता हो गया, इसका 2 क्षमता हो गया भाग देने पे। ठीक है, बोला ए दोनों मिलने पर, मतलब ए और प्लस बी अगर मिल जाए तो उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, तो इनकी क्षमता क्या बन रही है, इनकी क्षमता बन रही है 5। ठीक है, तो कार्य बटे में हम जब क्षमता से भाग देंगे, तो ये क्या मिलेगा, समय मिलेगा। ठीक है, तो ए और बी का समय निकालना है, कार्य कितना है 30 है और क्षमता क्या है 5 निकल के आया है। ठीक है, तो 6 घंटा हो गया, क्या हो गया 6 घंटा आपका ए ऑप्शन करेक्ट। सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है कि एक नल एक टंकी को 16 घंटे में भरता है, परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण टंकी जो है 24 घंटे में भरी जाती है। यदि टंकी पूरी भरी हो तो छेद के कारण कितने देर में वो खाली हो जाएगी। ठीक है, आपके पास चार ऑप्शन एसएससी में पूछा हुआ प्रश्न है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ए है एक टंकी, ठीक है, वो कितने घंटे भर रहा है 16 घंटे में। बी ए और प्लस ए माइनस बी है जो कि खाली कर रहा है, वो कितने 24 घंटे में, दोनों का एलसीएम ले लेंगे 48 हो गया। ठीक है, ये 3 इसका क्षमता हो गया, इसका क्षमता हो गया 2। अब ध्यान से देखिए, ए का क्षमता क्या है 3 है और माइनस बी है, फाइनली क्षमता हमारा क्या बन रहा है 2। तो हमारा बी जो है वो खाली करने वाला, इसीलिए हमने यहाँ पे निगेटिव लिखा, यहाँ पे पॉजिटिव, ये भर रहा है, ये खाली कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया 2 में से 3 माइनस 1, ये हो गया हमारा खाली कर रहा है जो बी का है। ठीक है, तो हमारा जो छेद के कारण कितनी देर में खाली होगी, तो फाइनली 48 काम है, तो 48 बटे में जो बी का पूछ रहा था खाली करने के लिए 1, इसीलिए क्या हो गया 48 घंटे आपके, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर।